नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमाचल टीवी में। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। 29 अप्रैल से होगी 110 कला शिक्षकों की तैनाती, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 110 कला शिक्षकों की 29 अप्रैल से पहले नियुक्ति हो जाएगी। शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को सोमवार तक बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एक जिले में पद संभालने के बाद दूसरे जिले में पद ग्रहण करने के लिए शिक्षक इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। नियुक्ति से पहले अन्य जिले में पद ग्रहण नहीं करने की शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इस मामले को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही मिलने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय नियुक्तियों को रद्द कर देगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 820 कला और 870 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। सितंबर 2021 में कला शिक्षकों की 410 पदों के लिए बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। निदेशालय ने 25 अप्रैल तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने के निर्देश दिए हैं। 29 अप्रैल तक इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। निदेशालय ने आगामी 25 दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। इस दौरान रिक्त रहने वाले पदों को वोटिंग पैनल से भरा जाएगा। इसके लिए सभी जिला उपनिदेशकों को परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया है। उधर कला शिक्षकों के शेष 410 पदों के लिए हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने बीते वर्ष शिक्षा विभाग में 4000 शिक्षकों के पद भरने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कला शिक्षकों के बैच वाइज पद भरने जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के अनुसार कला और शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने की घोषणा से स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी। महासंघ के प्रांत मीडिया प्रमुख शशि शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से कला अध्यापक व शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पद खाली पड़े थे और इसके अलावा भी बहुत से पद सेवानिवृत्त और पदोन्नति की वजह से खाली हो गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।